हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होगी वो होगी फ्री फायर पर, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्री फायर में क्वाड्रा किल से भी ज़्यादा किल, जैसे कि पेंटा किल और उसके बाद शायद हेक्सा किल आता है, तो वो करने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा। जो नया मोड चल रहा है कॉन्वे क्रंच, उसमें सबसे आसान तरीका है, मैं आपको करके भी दिखाऊँगा, आपको बस वीडियो को पूरा देखना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको वुडपैकर ले लेनी है, और जो एनिमी का स्पॉन पॉइंट है, जिधर वो स्पॉन होते हैं, उधर कहीं पर भी जाके एक ऐसी जगह ढूंढ लेनी जहाँ से आप आराम से कैंपिंग करके बंदों को मार सकते हो। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखिए, आपको इधर खड़े होकर बस एनिमी के स्पॉन पॉइंट पे नज़र रखनी है, और जो भी बंदा स्पॉन होता है उसको आपको तुरंत ही मार डालना है। दिखाता हूँ मैं आपको, अभी डबल किल हो गया अभी इधर मेरा, और अभी बाकी दिखाता हूँ आपको। ये जो मेरे टीममेट है, ये कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे हैं, क्योंकि जो रैंडम टीम मिलती है ना, मुझे इसमें करने हैं क्वाड्रा या फिर पेंटा से ज़्यादा किल करने हैं। तो जैसे अभी मैं इधर बैठा हूँ, बस जो भी बंदा मरेगा वो इधर से ही रिस्पॉन होगा, क्योंकि इनका रिस्पॉन पॉइंट यही है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इधर एनिमी के कुछ स्पॉन पॉइंट पे आ चुका हूँ, जिधर ये लोग स्पॉन होते हैं, ताकि मैं इन लोगों को बहुत ही आराम से मार देता हूँ। और बहुत ही ध्यान से करना होगा आपको काम, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप आराम से किल कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, एक किल हो गया। एंड फ्रेंड्स, अभी डबल किल हो गया मेरा, और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा भी ट्रिपल किल हो चुका है। और मेरे टीममेट जो हैं वो इतने बड़े गधे हैं, मुझे उन पर इतना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो लोग मेरे किल्स पे किल लिए जा रहे हैं। ट्राई करता हूँ वन टैप की। ये देखिए फ्रेंड्स, इसने मेरा किल चुरा लिया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस पर, क्योंकि रैंडम टीममेट्स आते हैं तो कोई भी मार देता है। अभी शायद ये मेरा टीममेट मर जाएगा, जैसा कि मैंने कहा था, एंड मुझे इस बंदे को मारना ही है। और गाइस, हमें नहीं मरना है, क्योंकि अगर हम मर गए तो हमारा जो किल स्ट्रीक है वो दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज, ये वाला मैच तो हमारा बोया हो चुका है, तो वीडियो का जो मैं आपको मेन मोटिव था वो तो मैं नहीं दिखा पाया, तो मैं अभी अगला मैच खेलता हूँ और आपको पूरी तरह से समझाता हूँ कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एनिमी के स्पॉन पॉइंट पर जाकर बस उधर कैंपिंग करनी है, और बंदों को स्पॉन होते ही, जैसे ही वो इनवल्नरेबल ना हो, उनको तुरंत ख़त्म कर देना, और ऐसे किल करते 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 आप क्वाड्रा से भी ज़्यादा पेंटा किल और जो कुछ भी आगे होता है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा करके दिखाऊँगा। ये भी मुझे अभी मैच खेलते टाइम, देखो गाइस, पेंटा किल हो चुका है एंड लेजेंडरी। ओह नो, माई गॉड गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इधर किल पर किल किए जा रहा हूँ, एंड शायद 9 किल्स हो चुके हैं मेरे इन अ रो, एंड 10 किल्स इन अ रो। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने
पेंटा किल करे, उसके बाद जो जो किल से मुझे उनका नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, बट एक लेजेंडरी किल था और एक मॉन्स्टर किल था, उसके बाद भी मैंने शायद 10 किल्स इन अ रो करे थे। एंड सो सॉरी गाइस कि मैंने ये वीडियो बहुत ही जल्दबाजी में बनाई, मेरे को पता है बहुत बेकार बनी है, बट अच्छी है, आपको ज़रूर अच्छी लगी। आई बेट यू डू नॉट नो दिस ट्रिक, तो इस ट्रिक के लिए गाइस एक लाइक तो बनता है। और आपको जो अगर आपको भी ऐसा पेंटाकिल करा है कभी और आपको अगर एक ट्रिक पता थी ना, तो कमेंट में मुझे जाके ज़रूर बताना। इस मोड को दिखा देता हूँ मैं, ये रहा गाइस एक कन्वे क्रंच, ये रहा, तो इसमें जाके आप इसको कर सकते हो। और मैंने स्टार्टिंग में बताई थी थोड़ी जल्दबाजी में, लेकिन दोबारा बता देता हूँ आपको क्या करना है। एनिमी के स्पॉन पॉइंट पर जाना है उधर, उसके बाद कोई कैंपिंग के लिए जगह ढूंढनी, और जैसे एनिमी स्पॉन हो उसको हेडशॉट या कैसे भी मार दो। और जैसे आपको गाइस मरना नहीं है और ज़्यादा टाइम नहीं लेना है 2 किल्स के बीच, ताकि आपकी किल स्ट्रीक चालू रहे। और सो थैंक यू फ्रेंड्स, यही हमारी ट्रिक थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी इस वाले वीडियो को तो एक लाइक बनता है और इसके ट्रिक के लिए एक सब्सक्राइब भी बनता है, तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।